सागर जिले की रहली जनपद की निर्विरोध जनपद अध्यक्ष चुने गए रश्मि सुरेश कपस्या ने मीडिया के सवालों पर अपने विचार व्यक्त किए। सर्वप्रथम उन्होंने मीडिया के माध्यम से संपूर्ण रहली जनपद पंचायत के मतदाता भाइयों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही सभी जनपद सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त किया। आगे उन्होंने अपनी विचारधारा के अनुसार बताया कि हम सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप हैं, कार्य करेंगे और संपूर्ण रहली जनपद पंचायत में सभी क्षेत्रों की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार विकास और सेवा कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि अपने पूर्व के अनुभवों के साथ ही अपने सीनियर वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से वह क्षेत्र में विकास और सेवा के अनूठे काम करेंगे। सर्वप्रथम क्षेत्र में बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतों पर काम किया जाएगा। मीडिया के द्वारा जब उनसे पूछा गया कि क्षेत्र का विकास तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आपके जनपद और विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें अनपढ़ और अकुशल मजदूर से लेकर बड़ी बड़ी डिग्री रखने वाले शिक्षित बेरोजगार भी हजारों की संख्या में हैं। इस पर काम करने की अनिवार्य आवश्यकता है। इस सवाल के जवाब में श्री कपस्या ने बताया कि हम मनरेगा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के जो भी सृजन होंगे वह करने का प्रयास करेंगे। ये मूल उद्देश्य है हमारा, सभी को साथ में लेके चलेंगे और संपूर्ण विकास हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, निचले स्तर तक समाज के आखिरी व्यक्ति तक हम लोग जाएंगे और सभी क्षेत्रवासियों का, पूरी क्षेत्र का ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो सरकार की योजनाएं होंगी पंचायत एवं ग्रामीण विकास की, उनका सभी का क्रियान्वयन सुचारू रूप से संचालित होगा और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो उसमें लापरवाही करेगा, चाहे कोई भी हो। हम जन सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को बिना विलंब के सुचारू रूप से संचालित करने में सभी सरपंचों का सहयोग करेंगे। सभी हमारे रोजगार सहायक, सभी पंचायत सचिव मिलकर काम करेंगे और क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे। भाई साहब, जैसे कि दूसरी विधानसभाओं से यदि हम अपने विधानसभा की तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अधोसंरचना का विकास है, लाइट की बात हो, सड़क की बात हो, पेयजल की, ये काफ़ी हद तक दूसरी विधानसभाओं से बेहतर स्थिति में है, ये बिल्कुल निष्पक्ष बात है जी। लेकिन मुख्य जो समस्या है वो समस्या है यहाँ पर रोजगार की। शिक्षित बेरोजगार भी है और जो अकुशल मजदूर हैं वो भी बेरोजगार हैं। तो इसको लेके आपकी और आपके नेताओं की मूल जो प्रयास है वो कोशिश और प्रयास क्या रहेंगे रोजगार को लेके? भैया जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन ये रही विधानसभा की समस्या नहीं, क्योंकि देश की समस्या है बेरोजगारी की। हम बेहतर प्रयास करेंगे और जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, मनरेगा के अंतर्गत रोजगारों का सृजन करेंगे और अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र के भाई बहनों को यहाँ से पलायन ना करना पड़े, इसके हम भरपूर प्रयास करेंगे और क्षेत्र में ही रोजगारों का सृजन करें। ये थे आदरणीय, उन्होंने इस क्षेत्र में वास्तव में जनपद से संबंधित जो भी कार्य हैं, जो बेसिक जो काम होते हैं पंचायत विभाग के, उन पर तो उन्होंने प्रकाश डाला ही, साथ में जो यहाँ का एक मुख्य मुद्दा है रहली विधानसभा क्षेत्र का या इस जनपद का, वो है बेरोजगारी का मुद्दा। यहाँ शिक्षित भी बेरोजगार हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो बेरोजगार हैं ही, तो उन पर भी भैया का ऐसा फोकस है। हम ये आशा और विश्वास कर सकते हैं कि इस विषय में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।